मुंबई में बैठक हुई, बेंगलुरु में बैठक हुई, सभी बैठकों में नीतीश कुमार जी मौजूद थे, उन्होंने कोई संकेत नहीं दिया। बिहार में कई नेता मौसम वैज्ञानिक होते हैं, बिहार में कुछ ऐसे नेता हैं आया कुमार, गया कुमार, गिरगिटों का को कड़ी मुकाबला देते हैं, वो कड़ी टक्कर देते हैं, पर यह अफसोस की बात है कि आखिरी वक्त पर उन्होंने हमारा हाथ छोड़ा, ये बिल्कुल विश्वासघात है। सही वक्त पर बिहार की जनता, जागृत जनता, नीतीश कुमार जी और प्रधानमंत्री को ज़रूर जवाब देंगे। यहाँ से हम किशनगंज जा रहे हैं, फ्लैग हैंडओवर होगा किशनगंज में अशफाकुल्ला खान स्टेडियम, और आज रात को अररिया में रहेंगे, पूर्णिया और किशनगंज, किशनगंज से होकर पूर्णिया, पूर्णिया से होकर अररिया, और परसों को, परसों यानी 31 को मालदा, मुर्शिदाबाद, बीरभूम वापस लौट आएंगे, और उसके बाद हम झारखंड में प्रवेश होंगे। झारखंड में हम 5 तारीख को या 6 तारीख को एक पब्लिक रैली का आयोजन करने वाले हैं, जिसमें हमारी उम्मीद है कि कांग्रेस अध्यक्ष भी मौजूद होंगे। सर, लेकिन अगर पश्चिम बंगाल में है, यहाँ रैली भी चल रही है, यहाँ के सीएम को आप लोगों ने इनवाइट किया है क्या? नहीं, सीएम को इनवाइट किया है, हाँ, इस इनवाइट किया है जमीनी स्तर पर। कल तो जलपाईगुड़ी और सिलीगुड़ी में जो पद यात्रा हुआ, 2 किलोमीटर का पद यात्रा जलपाईगुड़ी में हुआ, 2 किलोमीटर का पद यात्रा सिलीगुड़ी में हुआ, और हमें उम्मीद ही नहीं थी कि इतनी भारी मात्रा में महिलाएं, युवा, बुजुर्ग, बच्चे, सभी लोग सड़क पर आए हैं, उतरेंगे, छत पर खड़े हुए हैं, बालकनी पर खड़े हुए हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा का स्वागत कर रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ ये सब लोग हमें वोट देंगे, वोट वोट नहीं, पर ये रिस्पॉन्स है ना, ये कितना ऊर्जा था वहाँ और इतना उत्साह था। नहीं नहीं, देखिए, ये इससे सीट शेयरिंग, इससे चुनाव का क्या असर होगा, ये हमारे संगठन पर निर्भर करता है। जमीनी स्तर पर अभी भी कल हमारे कुछ पोस्टर निकाले गए, हमारे कार्यकर्ता नाखुश हैं, हमारे कार्यकर्ता नाराज हैं, पर ममता जी तो इंडिया गठबंधन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है ना, तृणमूल कांग्रेस, और वो इंडिया गठबंधन, उन्होंने कहा, दोहराया है कि मैं इंडिया गठबंधन से के हिस्सा होकर ही लड़ूंगी, मैं इंडिया गठबंधन को और मजबूत करूंगी। पर जमीनी स्तर पर जो लड़ाई हो रही है तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच में, ये मैं समझता हूँ कल थोड़ा हमारे लिए, मेरे लिए भी परेशानी हुई। मैंने उनको समझाया कि ये गठबंधन जो है राष्ट्रीय स्तर का गठबंधन है, राज्यों में हम लड़ाई कर सकते हैं, जैसे कि केरला में हम वामपंथियों के साथ लड़ते हैं, गालियाँ देते हैं, शोर शराफा होता है, एक दूसरों से हम लड़ते रहते हैं, पर राष्ट्रीय स्तर पर हम लड़ते नहीं हैं। तो ऐसे ही कुछ फॉर्मूला हमें ढूंढ निकालना होगा, पर मैं ज़रूर कहूँगा कि जलपाईगुड़ी में और सिलीगुड़ी में कांग्रेस जीवित है, ये तो हमारा कांग्रेस का गढ़ रहा है सालों से, पर कुछ कमज़ोर हो गए हम। और कल दार्जिलिंग से भी एक हमरो पार्टी है, दार्जिलिंग की हमरो पार्टी, उन्होंने कहा कि हम कांग्रेस का समर्थन करेंगे, इंडिया गठबंधन का समर्थन करेंगे, तो ये हमारे लिए एक सकारात्मक रुझान है। एक आखिरी सवाल है सर, आज आप लोग बिहार इंटर करेंगे, वहाँ सरकार बदल चुकी है, जेडीयू की तरफ से एलिगेशन लगाया जा रहा है कांग्रेस तोड़ने की कोशिश कर रही है। कोई तोड़ने की कोशिश नहीं हमने की। 23 तारीख को नीतीश कुमार जी ने बैठक बुलाई पटना में, 18 पार्टियाँ वहाँ मौजूद थी, मुंबई में बैठक हुई, बेंगलुरु में बैठक हुई, सभी बैठकों में नीतीश कुमार जी मौजूद थे, उन्होंने कोई संकेत नहीं दिया। पर बिहार में कई नेता मौसम वैज्ञानिक होते हैं, बिहार में कुछ ऐसे नेता हैं आया कुमार, गया कुमार, जो गिरगिटों का को कड़ी मुकाबला देते हैं, वो कड़ी टक्कर देते हैं, पर यह अफसोस की बात है कि आखिरी वक्त पर उन्होंने हमारा हाथ छोड़ा, ये बिल्कुल विश्वासघात है। और बिहार की जनता, उनको और उनके जो उनको नचाने वाले जो बैठे हुए हैं, जो मुहूर्त ढूंढते हैं दिल्ली में बैठकर, 14 तारीख को जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाला गया मणिपुर से, उस दिन मिलिंद देवरा को उन्होंने भगा कर ले गया, आज जब हम बिहार में प्रवेश होने वाले हैं, कल नीतीश कुमार को उन्होंने भगवाया। तो ये सब सही वक्त पर बिहार की जनता, जागृत जनता, नीतीश कुमार जी और प्रधानमंत्री को ज़रूर जवाब देंगे।